हेलो दोस्तों, तो आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दुनिया के टॉप 3 गंदे देश के बारे में। उस वीडियो में एक भाई ने मुझे कुछ ऐसा कमेंट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाई रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन है और ये भाई पाकिस्तान से, और इनका कहना है कि पाकिस्तान बहुत गंदा देश है। वैसे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ मजेदार बातें, वो भी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बिल्कुल हमारे देश की ही तरह है, वही हवा, वही खाना, वही प्यार, वही माहौल। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज ये देश पूरी दुनिया में बहुत बदनाम है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ हुआ करते थे और हमने साथ मिलकर अंग्रेजों से आजादी पाई थी, और आजादी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन आज कुछ स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान भारत से बहुत नफरत करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इस देश की जनसंख्या करीब 22 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ 8% लोग ही उर्दू बोल सकते हैं। उसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस देश का नाम पाकिस्तान ही कैसे पड़ा। दोस्तों, पाक का मतलब होता है पवित्र और स्थान का मतलब होता है जगह। तो इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाएं तो बनता है पवित्र जगह, और ये जगह कितनी पवित्र है ये आप सबको पता ही है। दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है, हमारे देश की तरह पाकिस्तान में भी एक पंजाब है जिसको वेस्ट पंजाब बोला जाता है। यहाँ पर पंजाबी लोगों का बहुत बोलबाला है, इसलिए यहाँ की आधे से भी ज्यादा आबादी पंजाबी है, और यहाँ पर भी वो सारे रीति रिवाज और त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारे देश के पंजाबी लोग भी मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस देश में हिंदू के भी थोड़ी बहुत जनसंख्या है और थोड़े बहुत बचे हुए हिंदू मंदिर भी है। दोस्तों, हमारे देश की तरह पाकिस्तान में भी दिवाली बड़ी शौक से मनाई जाती है। वैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में पाकिस्तान की कोई खास इज्जत नहीं है, वहाँ के लोग पाकिस्तानियों को चोर उचक्के ही समझते हैं। वैसे एक चीज में पाकिस्तान सबसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के हर 10 में से 8 फुटबॉल पाकिस्तान में ही बनते हैं, और इनके अलावा पाकिस्तान में बगैर परमिशन किसी का फोन भी नहीं छू सकते। जी हाँ दोस्तों, ये वहाँ पर एक क्राइम माना जाता है और उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। वैसे पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को इजराइल का वीजा नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी इजराइल को एक देश मानते ही नहीं। वैसे उनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, वैसे मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच कुछ खास संबंध है नहीं। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग अपने ट्रक को दुल्हन की तरह प्यार से सजाते हैं, और पाकिस्तान के ट्रकों को आपने किसी मूवी या फिर किसी पाकिस्तानी वीडियो में तो जरूर देखा होगा। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे अजीज और सबसे करीब दोस्त है चाइना। यहाँ दोस्तों, ये वही देश है जिसने 2 साल तक पूरी दुनिया को तंग करके रख दिया था। फादर ऑफ कोरोना चाइना ने एक बार पाकिस्तान के भोले भले लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया था। दोस्तों, बात है कोरोना काल की, उस वक्त पाकिस्तान में मास्क की काफी ज्यादा कमी आ गई थी, इसलिए पाकिस्तान ने चाइना को मास्क बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, और फिर चाइना ने यूज किए गए अंडरगार्मेंट्स के मास्क बनाकर पाकिस्तान को बेचे थे। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के संबंध कितने मजबूत हैं। वैसे दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम पाकिस्तान में ही मौजूद है। वैसे दोस्तों, इसका नाम हुंजावेली है और ये 16,007 फीट ऊंचा है। दोस्तों, पाकिस्तान में ही आपको दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ऐसा शहर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है मेहरगढ़, और ये सभ्यता करीब 6,000 ईसा पूर्व पुरानी है। इनके अलावा पाकिस्तान में एक और बहुत अच्छी सुविधा है जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है एम्बुलेंस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में छोटे से छोटे गांव में भी आपको एम्बुलेंस देखने को मिल जाएगी, और पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क मौजूद है। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है जो कि आप सब जानते हैं, और इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सारे आतंकी ग्रुप एक्टिव है जिन्हें यहाँ की सरकार बड़े आराम से चलाती है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों की सूची में 8वें नंबर पर है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन्हीं सब कारणों
कोरोना की वजह से पाकिस्तान में कोई दूसरे देश का व्यक्ति घूमने नहीं आता, जबकि यहाँ घूमने जैसी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं और नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे आतंकी संगठनों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। पाकिस्तान एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और वो है उनका खाना। पाकिस्तान का फूड कल्चर हमारे देश के फूड कल्चर की तरह ही है। यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। वैसे पाकिस्तान की नेशनल डिश का नाम है निहारी। ये एक नॉनवेज डिश है और इसे बहुत सारे मसालों के साथ पकाया जाता है। वैसे दोस्तों भारत की नेशनल डिश कौन सी है आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान का वीजा कैसे मिलता है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको 15 से 20 दिनों में वीजा मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आप 30-35 हजार में आराम से पाकिस्तान घूम सकते हैं। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, और एक इंडियन रुपीज पाकिस्तान के 2.5 रुपए बन जाते हैं, मतलब कि सीधा डबल। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान। वैसे मैं उस कमेंट करने वाले भाई को फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे एक नया टॉपिक मिला। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक और ऐसे मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।